तो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूँ एडवांस लेवल की इनविटेशन स्किल के बारे में, जो शायद ही आपने आज से पहले किसी और वीडियोस के थ्रू या फिर आपने किसी मीटिंग्स के थ्रू आपने सीखा होगा। और ये जो वीडियो है बेसिकली तीन पार्ट में होगा, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ इन्विटेशन के डूज एंड डोंट्स के बारे में, फिर दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ स्क्रिप्ट्स एंड कुछ फॉर्मूलाज जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से आप इनविटेशन कर सकते हो, एंड तीसरी चीज आपको मेरी सुनने को मिलेगा, आपको मेरी खुद की कॉल रिकॉर्डिंग्स कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से वेबिनार के लिए इनवाइट करता हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखो, ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, बट फिर भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और वीडियोस देखने की जरूरत पड़ेगी इनविटेशन स्किल्स सीखने के लिए, ठीक है। और अगर आपने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इनविटेशन का एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सीखते हैं एडवांस लेवल की इन्विटेशन स्किल्स। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनविटेशन क्या चीज होती है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का जो दूसरा स्टेज है ना, उसे हम बोलते हैं इनविटेशन। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है हमारा लिस्ट बनाने का, एंड दूसरा स्टेज हमारा जो होता है उसे हम बोलते हैं इनविटेशन। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि इनविटेशन का मतलब क्या होता है, तो लोगों को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए बुलाना या उससे बातचीत करना, कोई हम इनविटेशन बोलते हैं। मैंने क्या बताया, लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बुलाना या सामने वाले को कॉल करना या सामने वाले से बातचीत करना, को ही हम इनविटेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊं तो इनविटेशन ना एक ट्रेलर की जैसा होता है। आपको पता होगा कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है ना, तो उससे पहले फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं ना, एक छोटा सा एक ट्रेलर मतलब पहले भेजते हैं, है ना, कुछ मिनट का, जिसको जिस ट्रेलर को देख के ना हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी जग जाती है और हम उस मूवी का ना आने का वेट करते हैं कि वो मूवी कब आएगी और कब हम उस मूवी को देखें। वो ट्रेलर ही इस तरीके का होता है। सेम उसी तरीके का ना इनविटेशन भी होता है कहीं ना कहीं, कि हमें सामने वाले के अंदर में ना एक क्यूरियोसिटी जगाना होता है, एक एक्साइटमेंट डालना होता है, ताकि सामने वाला भी हमारे प्रेजेंटेशन को देखने के लिए वेट करे, ठीक है। सो आई होप आपको इनविटेशन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नाउ अब हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स के बारे में, कि जब भी हम इनविटेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको अदर्स वीडियो में आपको ये तो लोग सिखा देते हैं कि इनविटेशन कैसे करना है, बट ज्यादातर लोग ये नहीं बता पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही चीज बताने वाला हूं कि जब भी आप इनविटेशन करोगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना और क्या नहीं बोलना है, ये अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया तो जल्दी से आप डायरी पेन निकाल लो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, क्योंकि नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो पूरी वीडियो है ना, पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं जो आप लोगों को नोट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बना रहे हो तो जल्दी से डायरी पेन ले आओ, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, फिर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में। सो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे डूज एंड डोंट्स का, वो है कि जब भी आप इनविटेशन करोगे उससे पहले आप माइंड में एक चीज बैठा लेना, अपने आप को ना इमोशनली खुद को डिटैच कर लेना आउटकम से। आउटकम क्या आएगा आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। जब भी आप किसी को इनविटेशन करोगे, अगर उस टाइम पे आपको कोई मना करेगा, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्या करना है, कभी भी उसके बातों को ना आपको पर्सनली नहीं लेना है। क्योंकि कोई भी इंसान आपको मना नहीं करता है, सामने वाला होता है वो आपके प्रपोजल को मना करता है, आपको मना नहीं करता, आपके प्रपोजल को मना करता है। तो उस टाइम पे आपको कभी भी ना निगेटिव नहीं होना, अगर कोई निगेटिव आंसर मिल रहा है तो उससे भी आपको इमोशनल नहीं होना है। आपको उस टाइम पे ये सोचना है कि मेरे को बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करना है, अपने कॉल्स को कंटिन्यू रखना है। आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि इमोशनली खुद को डिटैच कर दो, आउटकम के बारे में आपको शुरू में नहीं सोचना है। आई नो कि शुरुआत में जब हम होते हैं ना, तो हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन रिजल्ट की होती है कि हमें ज्यादा ज्यादा लोगों का यस मिले, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत के 10 से 15 दिन आपके घुटने छिलेंगे, लोग आपको मना करेंगे, इसके लिए आप रेडी रहना। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि सामने वाले का जो भी बात होगा, चाहे वो हमें यस बोले चाहे वो हमें नो बोले, उसके बातों को हमें इमोशनली नहीं लेना है, उसके बातों को हमें पर्सनली नहीं लेना है, बस हमें अपने कॉल्स को कंटिन्यू करना है। आपको बस ये ध्यान में रखना। एक चीज और, अगर जब भी कोई आपको मना करेगा ना, जब आप इनविटेशन करोगे और जब लोग आपको मना करेंगे कि नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को आपका प्रेजेंटेशन नहीं देखना, उस टाइम पे ना आप एक लाइन याद रखना, मैं अभी आपको एक गोल्डन लाइन बता रहा हूँ।
आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। या फिर अब दूसरा लाइन आप याद रखना, आया तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम, आया तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम। ठीक है, आप ये दो गोल्डन लाइन आप याद रखना। अगर आप ये दो गोल्डन लाइन इनविटेशन करते टाइम अगर आप याद रखोगे तो आपके अंदर हमेशा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, तो ये दो लाइन। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी इन योर वर्ड्स। जब भी आप किसी को भी आप इनवाइट करोगे तो उस टाइम पे आपको एक चीज ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो टॉप लेवल पे होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो आप सामने वाले को ना वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। अगर आप एक्साइटमेंट और एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाए इन्विटेशन करते टाइम, तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना वो कभी भी आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। और दूसरी चीज, जब भी आप इन्विटेशन करोगे तो आपके वर्ड में ना क्लियरिटी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप अभी नए नए, अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो अभी थोड़ा आपको टाइम लगेगा, 5, 10, 15 जब आप कॉल करोगे तो आपके वर्ड्स में ना क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपके वर्ड्स में ना क्लियरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो चीजें आप सामने वाले को बता रहे हो उसको आसानी में समझ आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे लाइन यूज करते हैं जिससे सामने वालों को समझ में ही नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो वर्ड्स है ना उसमें क्लियरिटी होना चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था कि जब भी आप इनवाइट करोगे तो आपके आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके वर्ड्स में क्लियरिटी होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कम्स इन पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस फीलिंग। इसका मतलब ये होता है कि देखो, अगर आप जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर आप कॉल कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपका जो माइंडसेट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए और आपके अंदर ना एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। आपकी फीलिंग्स आपके अंदर से बहुत अच्छा आना चाहिए। होता क्या है, कुछ लोग ना घर में लड़ाई कर लेते हैं, कुछ दोस्तों से उन्होंने लड़ाई कर लिया और तब जाके वो इन्विटेशन करते हैं, तो आप सही से इन्विटेशन नहीं कर पाओगे। आपका जो माइंड है ना वो फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक चीज याद रखना, अगर अगर आपके घर में किसी से लड़ाई हुई है तो आप कभी भी ना खराब माइंड से ना किसी को भी कॉल मत करना। अगर आपने किसी से लड़ाई वगैरह कर रखी है उस टाइम पे आप कॉल मत करना। पहले आप अपने दिमाग को शांत करना, उसके बाद आप किसी को कॉल करना, तभी आप सही से कॉल कर पाओगे, सही से आप इन्विटेशन कर पाओगे। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। ठीक है, इन्विटेशन से पहले ना आप कुछ ना सॉन्ग सुन लेना, इससे क्या होगा ना आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तब जाकर आप किसी को। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बी नेचुरल ऑन दी कॉल। जब भी आप किसी को कॉल करोगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको हमेशा नेचुरल होकर बात करना है। खासकर अगर आप अपने नॉन लोगों को अगर आप इन्वाइट कर रहे हो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, उस टाइम पे तो आपको नेचुरल बनना है बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं बनना। आपको सामने वाले को ऐसा नहीं दिखाना कि आप ना बिल्कुल चेंज हो गए हो। ठीक है, खासकर अपने लोगों में, अपने लोगों में कभी भी आप चेंज मत दिखाना, कभी भी प्रोफेशनल मत बनना अपने लोगों में। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कॉल पे आपको अपने आप को नेचुरल रहना है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका वॉइस टोन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी आप इनविटेशन करोगे तो आपका वॉइस टोन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कहाँ पे स्लो बोलना है, कहाँ पे फास्ट बोलना है, ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड, ये भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो सामने वाला 100% हमारे सेशन में आएगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सामने वाले को कॉल करना है। ठीक है, सो वॉइस टोन एंड आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा जब आप इनविटेशन करोगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है किस डोंट किल। किस डोंट किल, इसका मतलब क्या होता है? देखो, किस का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एंड किल का मतलब होता है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। तो जब भी हम इनविटेशन करते हैं ना तो हमारा जो इनविटेशन है ना शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, लॉन्ग और लेंथी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना 5 मिनट 10 मिनट का भी ना इनविटेशन करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2, 3, 4 मिनट से ज्यादा आपका इनविटेशन नहीं जाना चाहिए, ज्यादा लंबा आपका इनविटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा लंबा इनविटेशन करोगे तो वो प्रोस्पेक्ट का चांसेस आपके प्रेजेंटेशन में आने का बहुत ज्यादा कम है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था वीडियो के शुरुआत में कि जब भी कोई मूवी आती है उससे पहले ना ट्रेलर आता है, तो आपने गौर किया होगा उस ट्रेलर में क्या रहता है, मूवी का ना जो मेन पार्ट होता है जिससे लोग देखकर ना ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाए, क्यूरियोसिटी जाग जाएगी लोगों में या लोग एक्साइटेड हो जाएंगे मूवी देखने के लिए, उसी पार्ट को ना ट्रेलर में डाला जाता है। तो सेम हमें भी यही चीज करनी होती है इन्विटेशन में, हमें सारी बातें नहीं बताना होता, हमें इन्विटेशन के अंदर में प्रेजेंटेशन नहीं देना होता। बहुत सारे लोग तो इन्विटेशन के अंदर ना प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। तो आपको ओवर शेयरिंग पे ना कंट्रोल रखना है और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यू हैव अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जिसको हम कॉल पे समझाना पॉसिबल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, इन्विटेशन आपका शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हरी अप इन इन्विटेशन। जब भी आप इन्विटेशन करोगे, चाहे आप वो अपने लोगों को करो, चाहे आप किसी अननोन लोगों को करो, स्ट्रेंजर्स को करो, दोनों ही टाइम पे आपको अपने आप को ना बिजी शो करना है। मतलब शो योर सेल्फ बिजी पर्सनालिटी यार, मतलब कभी भी अपने आप को वेल्ला शो नहीं करना।
सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए यार कि इसके पास तो सिर्फ मैं ही हूँ और तो कोई है ही नहीं। अगर सामने वाले को ऐसा फील हो गया ना तो कभी भी ना आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अपने आपको बिजी शो करना है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका बहन हो, चाहे वाट एवर कोई भी हो, स्ट्रेंजर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से मिलाओ, फेसबुक से मिलाओ, किसी को भी अगर आप इन्वाइट करोगे तो बिजी योर सेल्फ, अपने आप को बिजी दिखाओ, तब जाकर वो सामने वाला ना आपको पसंद भी करेगा। क्योंकि ना कोई भी इंसान ना बिजी पर्सन को पसंद करता है, वेल्ले लोगों को कोई पसंद नहीं करता, है ना। तो अपने आप को हमेशा बिजी शो करना है जब भी आप इन्विटेशन करोगे। उसके बाद जस्ट इनवाइट एंड क्रिएट सस्पेंस। जब भी आप इनवाइट करोगे तो सामने वाले के पास एक सस्पेंस छोड़ दो ताकि उसको ऐसा फील हो कि नहीं यार अब तो मेरे को वेबिनार में आना ही है, कुछ ऐसी बातें उसको सस्पेंस में डाल देनी है, ठीक है। बस क्यूरियोसिटी जगाकर छोड़ देना है सामने वाले को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ बता देना। आप एक चीज बताओ, आपके घर में कभी ना कभी शादी हुई होगी, है ना, या किसी तो कभी ना आप कार्ड देने गए होगे, या फिर आपके घर में कोई ना कोई शादी का कार्ड देने आया होगा, तो क्या उस टाइम पे कोई ये बताता है कि जब पार्टी होगी ना, रिसेप्शन होगा, तो वहां पे ना ये चीज भी बनेगा, ये चीज भी होगा, है ना, इतनी सारी मिठाइयां भी होंगी, ये चीज भी बनेगी, कोई बताता है क्या? कोई नहीं बताता। नॉर्मल वो बस इन्वाइट करता है कि इस डेट को शादी है, आप आ जाना, बस। उससे ज्यादा और कुछ भी बातचीत नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं बताता कि पार्टी में क्या बनेगा, दिस डेट, है ना, कुछ भी नहीं बताता। सेम इसी तरीके से हमें भी इनविटेशन में सस्पेंस छोड़ना है, क्यूरियोसिटी जगाकर छोड़ देना है, बस सामने वाले को एक्साइटेड करके छोड़ देना है। कभी भी सामने वाले को पूरी चीजें नहीं बतानी, ठीक है। आपको हमेशा ये चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है नेवर टेल अबाउट कंपनी प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। जब भी आप इन्वाइट करोगे तो किसी को भी ना ही आपको कंपनी के बारे में बताना है, ना ही कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, ना ही प्लान के बारे में बताना है। कोई इंसान कितना भी आपसे पूछ ले, कभी भी किसी को नहीं बताना। कभी कभी जब आप इन्वाइट करोगे ना, लोग आपसे पूछेगा अच्छा कंपनी का नाम क्या है ना, कोई कितना भी पूछ दे आपको बिल्कुल भी नहीं बताना, ठीक है। अगर आप सामने वाले को अगर आप एक सवाल का जवाब दोगे ना तो वो दो और सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसमें भलाई ये है कि आपको किसी को भी कुछ भी नहीं बताना, नॉर्मल बस सामने वालों को इनवाइट कर देना, ना ही प्रोडक्ट के बारे में बताना, ना ही कंपनी के बारे में, ना ही प्लान के बारे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद कभी भी ना आपको कोई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना ना जो बहुत ज्यादा फेमस है नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे अपॉर्चुनिटी, बिजनेस प्लान, कोई भी इस तरीके का वर्ड्स ना आपको यूज नहीं करना है। अपलाइन, डाउनलाइन, है ना, मीटिंग्स, कोई भी ऐसी चीज को आपको वर्ड नहीं करना। आपको इनविटेशन के टाइम पे लोग बोलते हैं मीटिंग्स, आपको मीटिंग्स वर्ड तो यूज ही नहीं करना, लोग समझ जाएंगे कि वो तो वही एमएलएम वाला है, वही तो जुड़ने वाला काम का ही होगा ये पक्का। तो कभी भी ना आपको ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना जिससे सामने वाले को भनक लग जाए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो या फिर एमएलएम करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बी प्रोफेशनल ऑन दी कॉल। जब भी आप किसी स्ट्रेंजर्स को कॉल करोगे जिसे आप नहीं जानते, तो जब भी आप उन लोगों को कॉल करोगे ना तो उस टाइम पे अपने आप को ना प्रोफेशनल शो करना है। हाँ, लेकिन जब आप अपने लोगों को आप कॉल करोगे, चाहे वो आपका दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कजन हो, वाट एवर कोई भी हो, अगर आप नॉन लोगों को करोगे अपने आप को प्रोफेशनल शो नहीं करना। लेकिन जब आप कोई अननोन लोगों को कॉल करोगे तो उस जगह पे आपको अपने आप को प्रोफेशनल शो करना है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे अपने दोस्तों को इन्वाइट कर रहे हो उसी तरीके से आपने अननोन लोगों को भी इन्वाइट कर दिया तो वो कभी भी आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात भी याद रहेगा जब आप इनविटेशन करोगे कि आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना है जब आप अपने किसी भी अननोन लोगों को कॉल करोगे, स्ट्रेंजर्स को कॉल करोगे। उसके बाद है कि जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे तो प्रेजेंटेशन से ठीक 24 से 48 घंटे पहले आपको कॉल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन है 10 तारीख को और आपने 5 तारीख को इनवाइट कर दिया है, तो ये जो 5 दिन का जो गैप है ना, इस 5 दिनों में ना वो प्रोस्पेक्ट भूल जाएगा कि उसे कोई वेबिनार भी अटेंड करना है, ठीक है। तो 24 से 48 घंटा पहले ही आपको बस कॉल करना है, ठीक है। 2-4 दिन पहले कॉल मत करना, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको ये चीज समझ आया होगा। एंड उसके बाद जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे तो एक चीज याद रखना, कभी भी किसी को झूठ बोलकर इनवाइट मत करना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा, तो सॉरी हम किसी को भी जॉब नहीं देते हैं, और प्लीज आप भी किसी को ये मत बोलो कि यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं, ठीक है। वी आर इन बिजनेस इंडस्ट्री, नॉट अ जॉब इंडस्ट्री। आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी किसी को भी झूठ बोलकर आपको वेबिनार नहीं दिखाना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी को जॉब बोलकर वेबिनार नहीं दिखाना है, ठीक है। क्या बोलना है ये आपको आगे कॉल रिकॉर्डिंग्स में सुनने को मिलेगी कि किस तरीके से हम इन्वाइट करते हैं ना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है मेंटेन योर पोस्चर। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप कॉल करोगे ना तो प्रोस्पेक्ट को ये फील नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ना मेरी जरूरत है। कभी प्रोस्पेक्ट को ये फील नहीं होना चाहिए, ये जो बंदा कॉल कर रहा है ना इसको ना मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है कि
आप एक बिजनेस इंडस्ट्री में हो, आप एक सामने वाले को एक ऐसा वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जो कि उसके लाइफ को चेंज करने में ना हेल्प कर सकता है। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ना भीख मांगने लगते हैं कि भाई तुम मेरे लिए प्रेजेंटेशन में आ जा, एक बार प्रेजेंटेशन देख ले, एक बार मेरे वेबिनार में आ जा। तो भाई प्लीज मेंटेन योर पोस्चर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। भीख नहीं मांगना यार किसी से भी कि भाई तू आ जा तू आ जा, कभी भी ऐसा मत करना। आपको अपना पोस्चर्स को मेंटेन करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप किसी को कुछ दे रहे हो ले नहीं रहे, आपको हमेशा याद रखना है देने वाला ना हमेशा बड़ा होता है। आपको झुकने की जरूरत नहीं है, सामने वाला को अगर जरूरत होगी ना तो वो झुकेगा आपके सामने, वो बोलेगा कि हाँ मेरे को प्रेजेंटेशन अटेंड करना है। आपको कभी भी ना भीख नहीं मांगना कि भाई तू आ जा प्रेजेंटेशन में आ जा, है ना, कभी भी ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइस, सो अभी तक मैंने आपको बताया डूज एंड डोंट्स के बारे में कि जब भी आप इनविटेशन करते हो तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ये मैं सारे पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपने नोट्स भी बनाया होगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो इस वीडियो को फिर से देखो और नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, और अभी इस वीडियो को यहीं पे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अब जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको बताऊं स्क्रिप्ट के बारे में कि हम अपने लोगों को कैसे इन्वाइट करें, या फिर हम अपने जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते उन लोगों को हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं, इन लोगों को इनवाइट करने का बेस्ट वे क्या है, अब मैं आपको इसके ऊपर ही बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अब से जो मैं चीजें बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, दो तरह का मार्केट होता है, एक होती है हॉट मार्केट और दूसरा होता है कोल्ड मार्केट। हम ये हॉट मार्केट किसे बोलते हैं? हॉट मार्केट हम उन लोगों को बोलते हैं जिन्हें हम जानते हैं, आपके जान पहचान के सारे लोग, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई बहन हो, कजन हो, रिलेटिव्स हो, ये सारे के सारे लोग ना ये हॉट मार्केट कहलाते हैं। ठीक है, एक होता है कोल्ड मार्केट, जो जिसे हम नहीं जानते, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोल्ड मार्केट, जो आपको इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, जो आपको फेसबुक पे मिलते हैं। ठीक है, जो बिजनेस को समझना चाहते हैं, ये सारे के सारे लोग ना कोल्ड मार्केट में होते हैं, कोल्ड मार्केट के लोग होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा हॉट मार्केट किसे बोलते हैं और कोल्ड मार्केट किसे बोलते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हॉट मार्केट के जो लोग होते हैं उन लोगों को इन्वाइट करने का ना बेस्ट वे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कोल्ड मार्केट के जो लोग होते हैं हम उन्हें कैसे इन्वाइट कर सकते हैं। उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही मतलब कुछ पॉइंट्स है, कुछ स्क्रिप्ट है, अगर आपने उस स्क्रिप्ट को फॉलो कर लिया तो आप स्ट्रेंजर्स को भी ना बहुत ही अच्छे तरीके से ना आप इनवाइट कर सकते हो और वो आपके वेबिनार में तो आएंगे ही आएंगे 100% श्योर। अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट किया ना उस तरीके से तो 8 लोग आपके वेबिनार में आ जाएंगे, या मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अब जो मैं चीजें बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, अगर आपको हॉट मार्केट के लोगों को इनवाइट करना है ना, तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला का नाम है फॉर्म फॉर्मूला, FORM। अब ये F का मतलब क्या होता है? देखो, F का मतलब होता है फैमिली, कि जब भी आप कॉल करोगे अपने लोगों में किसी को इनवाइट करने के लिए तो सबसे पहले फैमिली के बारे में पूछोगे। ठीक है, O का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, कि मतलब उसका काम या फिर स्टडी कर रहा है तो उसका स्टडी कैसा चल रहा है या फिर उसका काम कैसा चल रहा है। ठीक है, इसके बारे में पूछना होता है। ठीक है, R का मतलब होता है रिक्रिएशन या फिर रेस्ट टाइम, उनसे पूछना होता है कि आप फ्री टाइम में आप क्या करते हो। ठीक है, एंड लास्ट होता है एम, एम का मतलब होता है मैसेज। अब आपको सामने वालों को मैसेज देना है जिसके लिए आपने कॉल किया था, अब आपको यहाँ पे इनवाइट करना है वेबिनार के लिए। ठीक है, तो आगे जो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ उस रिकॉर्डिंग में आपको पता लग जाएगा कि मैं ये फॉर्म फॉर्मूला का यूज करके मैं किस तरीके से लोगों को इनवाइट करता हूँ। जब आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये फॉर्मूला जानकर बहुत मजा आया होगा। ठीक है, हॉट मार्केट के लोगों को इनवाइट करने का। तो अभी आपने ये जाना कि हम हॉट मार्केट के लोगों को ना कैसे इनवाइट कर सकते हैं फॉर्म फॉर्मूला के थ्रू, राइट। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कोल्ड मार्केट के लोगों को हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं। कोल्ड मार्केट इन द सेंस जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अजनबी होते हैं, हम उन लोगों को कैसे इनवाइट करें। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास है एक स्क्रिप्ट जो कि 10 पॉइंट का एक स्क्रिप्ट है। अगर आपने इस 10 पॉइंट के स्क्रिप्ट को फॉलो कर लिया तो आपका जो इनविटेशन है ना बहुत अच्छा इनविटेशन होगा और आपका कन्वर्जन रेशियो भी बहुत ज्यादा होगा। अगर आप 10 लोगों को अगर आप इनवाइट करोगे तो 7 से 8 लोग आपके वेबिनार में आएंगे, आई एम 100% श्योर। सो कोल्ड मार्केट इनविटेशन करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है आई एम टॉकिंग विद। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो और जैसे ही प्रोस्पेक्ट कॉल पिक करता है और कॉल पिक करते ही जैसे ही प्रोस्पेक्ट हेलो बोलेगा ना, आपको सामने से रिप्लाई करना है। क्या रिप्लाई करोगे? आई एम टॉकिंग विथ मिस्टर राहुल, क्या मेरी बात राहुल से हो रही है? आपके प्रोस्पेक्ट का जो भी नाम है
आपको उसका नाम यूज करना है, क्या मेरी बात राहुल से हो रही है। अगर वो सामने वाला रिप्लाई करता है, कंफर्मेशन देता है कि हाँ मैं राहुल बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, हु आर यू एंड व्हाई आर यू कॉलिंग। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है कि आप कौन हो और आपने कॉल क्यों किया है। तो आप ये कैसे बताओगे, आपको ये ऐसे बोलना है कि मेरा नाम गौरव है और आपने कल इंस्टाग्राम पे आपने नंबर ड्रॉप किया था वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर सामने वाले ने कोई फॉर्म फिल किया हुआ है और अगर आपने उसको कॉल किया है, तो आप कैसे बोलोगे, आपने मेरा नाम गौरव है और आपने रिसेंटली में एक आपने फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको अपनी कॉलिंग्स की स्टार्ट करनी। सो अब ये बताने के बाद कि आपने कॉल क्यों किया था, उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है, जो तीसरा सवाल आपको सामने वाले से करनी है, टेक बेसिक डिटेल्स फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अब आपको प्रोस्पेक्ट से ना कुछ बेसिक डिटेल्स लेना है कि वो कहां से है और क्या करता है, वो कहां से है और क्या करता है, बेसिकली हम ये दो डिटेल्स पूछते हैं, ठीक है। तो आपको भी पहले दो डिटेल्स लेनी है कि वो कहां से है और क्या करता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा स्टेप आता है हमारा, अब आपको सामने वाले की करनी है नीड आइडेंटिफिकेशन, कि वो पैसा क्यों कमाना चाहता है। अब आपको सामने वाले से पूछना है कि एग्जैक्टली मैं रीजन जान सकता हूं कि आपको पैसा क्यों कमाना है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो या फिर घर में फाइनेंशियल इश्यू है। आपको ये क्वेश्चन करना है कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है या फिर घर में फाइनेंशियल इश्यू है। अब उसका जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो बताएगा कि हाँ सर मेरे को ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, या फिर वो बताएगा कि मेरे को घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को पैसा कमाना है, ठीक है। तो आपको चौथा काम करना है, सामने वाले की ना नीड जाननी है कि एक्चुअल वो पैसा क्यों कमाना चाहता है। तो नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद जो आपको पांचवा सवाल करना है कि यू नो अबाउट ऑनलाइन वर्क, क्या आप ऑनलाइन काम के बारे में जानते हो, क्या कभी आपने कोई ऑनलाइन काम के बारे में समझा हुआ है या ये आपका फर्स्ट टाइम है। अब वो प्रोस्पेक्ट बताएगा कि हाँ मैंने कभी कोई ऑनलाइन काम नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो आपको पांचवा, आपको ये सवाल पूछना है कि क्या कभी आपने कोई ऑनलाइन काम समझा हुआ है या फिर नहीं समझा हुआ है, या फिर आपका ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो आपको पांचवा, तो आपको यही सवाल करना है, ठीक है। सो उसके बाद जो हमारा छठा नंबर पॉइंट है, टेल अबाउट योर वर्क, अब आपको अपने काम के बारे में बताना है, ठीक है। छठा नंबर में आपको अपने काम के बारे में बताना है। आप ये कैसे बता सकते हो कि ब्रदर मैं ना एक डिजिटल प्रोजेक्ट के अंदर काम करता हूँ, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स एंड जॉब प्रोफेशनल्स एंड हाउसवाइफ की हेल्प करता हूँ या करती हूँ कि वो पार्ट टाइम में सोशल मीडिया का यूज करके ना वो महीने का 15,000 से 20,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। अब आपको सामने से पूछना है कि ब्रदर देखो आज का जो टाइम है ना वो सोशल मीडिया का है, हम डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते तो हैं, बट उससे ना हमें 10 रुपए भी कमाना नहीं आता। तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो रिप्लाई करेगा कि यस सही बात है सर, हमें पैसा कमाना नहीं आता है, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको अपने काम के बारे में बताना है। काम के बारे में बताने के बाद जो हमारा सातवां नंबर जो हमारा पॉइंट है, अब आपको अपने वेबिनार और अपने जो भी प्रेजेंटेशन होने वाली है उसके बारे में बताना है कि ब्रदर देखो अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर मेरे को काम क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैसा कैसे आएगा, ठीक है। सो इसके लिए ब्रदर हमारी ना एक कल से एक ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, एक हमारा वेबिनार है जहां पे ना हम आपको ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि ऑन दी कॉल ये सारी चीजों को बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे आपने नंबर दिया था, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था ना, उसी तरीके से हजारों लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो सबको हम तो पर्सनली कॉल पे समझा नहीं सकते, राइट। तो सामने वाला बोलेगा यस सर बात तो सही है, इसीलिए हमने एक वेबिनार कंडक्ट किया है जहां पे हम सारे लोगों को एक साथ ये बता सके कि उसको काम क्या करना है, उसको पैसा क्या आएगा, सब कुछ हम एक वेबिनार के थ्रू बताने वाले हैं, ठीक है। अब आपको सामने वाले को इस तरीके से क्या करना है, वेबिनार के बारे में बताना है। उसके बाद आपको अर्जेंसी देनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अर्जेंसी नहीं दोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट, ज्यादातर प्रोस्पेक्ट आपके वेबिनार में नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, मेरे को कमेंट में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लोग सर वेबिनार में आते ही नहीं, लोग वेबिनार में इसीलिए नहीं आते क्योंकि आपने अर्जेंसी नहीं दी, ठीक है। जब आप अर्जेंसी दोगे तो सामने वाला क्या करेगा, आपके वेबिनार में आएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक हम अर्जेंसी नहीं देते हैं ना तो सामने वाला सीरियस नहीं लेता है, ठीक है। तो आपको अर्जेंसी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको अर्जेंसी कैसे देनी है, मैं आपको इसके बारे में ही बता देता हूँ। आपको ऐसे बोलना है कि ब्रदर देखो जैसे अभी आपने फॉर्म फिल किया था ना, और या फिर जैसे आपने नंबर्स दिए थे, उसी तरीके से ना बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, बहुत सारे लोगों ने नंबर्स दिए हैं, बट हमारे पास जो वेबिनार की जो अभी जो सीट अवेलेबल थी सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स बची थी, जिसमें से 47 सीट ना कन्फर्म हो चुकी है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 सीट बची है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, अर्जेंसी देनी है अपने वेबिनार की, अपने वेबिनार की सीट की, ठीक है। उसके बाद अब आपको लेनी है कंफर्मेशन। तो ब्रदर आप मेरे को बताओ 100% क्या आप मेरे वेबिनार को अटेंड करोगे, तभी हम आपको वेबिनार का लिंक शेयर करेंगे, अदरवाइज हम शेयर नहीं करेंगे। आपको दो बार कंफर्मेशन लेनी है,
ठीक है। तो ब्रदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ 3 सीट अवेलेबल है, तो आप मेरे को 100% कंफर्म बताओ कि क्या आप कल वेबिनार अटेंड करोगे या नहीं करोगे, तो ही हम आपको लिंक शेयर करेंगे। अदरवाइज हम ये लिंक, ये सीट किसी और को दे देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे सीट ना वेस्ट चला जाए। तो आप मेरे को कंफर्म बताओ आप अटेंड करोगे या नहीं करोगे, तभी हम जाकर आपको लिंक शेयर करेंगे। जब आप ऐसा बोलोगे ना, तो सामने वाला बोलेगा हाँ सर मैं अटेंड करूंगा या करूंगी, तभी जाकर आपको क्या करना है, सामने वाले को लिंक शेयर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अर्जेंसी देनी है और कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन लेने के बाद आपका जो लास्ट काम बचता है इनविटेशन का, वो है नंबर सेव करवाना। ठीक है, प्रोस्पेक्ट से अपना नंबर सेव जरूर करवा लेना। आप ये कैसे बोलोगे कि बोलना ब्रदर देखो अभी ना आप मेरा नंबर सेव कर लो गौरव सर के नेम से या रानी मैम के नाम से। ठीक है, आपको सर या मैम जरूर बोलना है उसको, ये बात आप याद रखना। ठीक है, आपको बोलना है कि मेरा नंबर आप सेव कर लो गौरव सर के नेम से और मेरे को व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर दो विथ नेम। और ये भी बता दो कि ब्रदर देखो अगर आप मेरा नंबर सेव नहीं करोगे ना, तो आपके पास ना लिंक नहीं आएगा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू ना मैं आपको लिंक शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और आपके पास लिंक तभी आएगा जब आप मेरा नंबर सेव करोगे, अदरवाइज आपके पास लिंक नहीं पहुंचेगा। होता क्या है ना, आज के लोग ना यार बहुत चलाक है। आज ज्यादातर लोग क्या है ना, जी भी व्हाट्सएप यूज करते हैं, वहां पे ना एक ऑप्शन होता है जहां पे ना वो डायरेक्ट नंबर को आपका पेस्ट करके ना वो आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। ठीक है, बिना सेव किए भी। तो लोग ना बहुत चलाक है, इसीलिए नंबर जरूर सेव करवा लेना ना। और आप ये जरूर बोल देना कि हम व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम मैसेज करेंगे। ठीक है, तभी आपके पास लिंक आएगा, अदरवाइज लिंक नहीं आएगा, तभी जाकर सामने वाला ना आपका नंबर को सेव करेगा। ठीक है, और सामने वाले को बोल देना कि मेरे को मैसेज कर दो विथ नेम। ठीक है, तब जाकर आपको क्या करना है, सामने वाले को आपके अपने वेबिनार का लिंक शेयर करना है। ठीक है, यहां पर जाकर खत्म होता है आपका इन्विटेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये इनविटेशन का जो स्क्रिप्ट अभी जो मैंने आपको बताया, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो आपसे अच्छा इनविटेशन कोई भी नहीं कर सकता, आप ये याद रखना। क्योंकि मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, मैंने जो आपको इन्विटेशन बताए हैं, जो मैंने आपको स्क्रिप्ट बताया है, ये एक एडवांस लेवल का ना स्क्रिप्ट है। ठीक है, शायद आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप इम्प्लीमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, सो मैं चाह रहा हूँ आपको एक बोनस पॉइंट देना, जैसे मैं ज्यादातर वीडियोस में ना एक बोनस पॉइंट जरूर देता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ आपको एक बोनस पॉइंट और सिखा दूँ। बोनस पॉइंट ये है कि जैसे ही होता क्या ना, जब वेबिनार को स्टार्ट होना होता है, ठीक है, उससे आधे घंटे पहले ना कुछ चीजें करनी होती है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कि सर वेबिनार स्टार्ट होने से पहले हमें प्रोस्पेक्ट के साथ क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ, ये भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सबसे पहली चीज, तो जब भी आप जितने भी प्रोस्पेक्ट को आप वेबिनार दिखाते हो, चाहे वो 5 हो चाहे वो 10 हो, आपके पास उन लोगों का ना एक ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बनाते तो आप आज से पहले ब्रॉडकास्ट बनाना शुरू कर दो। ठीक है, चाहे वो आपके 5 लोग वेबिनार में बैठने वाले हो चाहे 10 लोग बैठने वाले हो, आपके पास एक ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। उस ब्रॉडकास्ट का ना बहुत बड़ा महत्व है, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। आपको क्या करना है, वेबिनार स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले आपको एक सामने वाले को एक रिमाइंडर मैसेज करना है उस ब्रॉडकास्ट में। इससे क्या होगा, सारे लोगों को ना एक बार में ही सबको मैसेज चला जाएगा, रिमाइंडर मैसेज। आप रिमाइंडर कॉल भी कर सकते हो। आधा घंटा पहले आपको एक मैसेज छोड़ना है, बी रेडी ओनली 30 मिनट लेफ्ट। आपको एक ये मैसेज डालना है, बी रेडी ओनली 30 मिनट लेफ्ट। आपको सामने वाले को ना बार बार रिमाइंड करवाते रहना है कि भैया वेबिनार है, रेडी हो जाओ। ठीक है, आपने रिमाइंडर मैसेज डाला, उसके बाद फिर 5 मिनट पहले या फिर उससे 10-15 मिनट पहले आपको एक री रिमाइंडर मैसेज करना है। ठीक है, अब ये री रिमाइंडर मैसेज क्या होगा, ठीक है, कि आर यू रेडी, आपको क्या मैसेज करना है, आर यू रेडी। अब आपको कंफर्मेशन लेनी है कि आप रेडी हो ना। अब आप देखो कि ब्रॉडकास्ट जब आप करोगे तो कितने सारे लोग यस का रिप्लाई करते हैं। अब जितने भी लोग रिप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको एक मैसेज करना है कि जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मेरे को एक स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना। ठीक है, तो आपको उन सारे प्रोस्पेक्ट से स्क्रीनशॉट लेना है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ आपके सारे लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। देखो अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि आपको सामने वाले को रिमाइंडर मैसेज करना है, देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या, बहुत सारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि उन्हें कोई वेबिनार अटेंड करना है। इसीलिए हमें सामने वाले को ना मतलब याद दिलाना पड़ता है कि भैया एक वेबिनार है, अटेंड करना है आपको। ठीक है, हम गलती क्या करते हैं ना, कभी भी सामने वाले को रिमाइंडर मैसेज या रिमाइंडर कॉल नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है ना, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ना भूल जाते हैं, जिसके वजह से वो अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज आपने, जो भी ब्रॉडकास्ट बनाया आपने, उन पे वहां पे आपको मैसेज डालना है। इससे क्या होगा, सारे लोग, लेट सपोज मान लो 10 लोगों को आपने मैसेज किया ब्रॉडकास्ट के थ्रू, ठीक है, सबके पास मैसेज चला गया। अब जिनका रिप्लाई आ गया कि हाँ मैं रेडी हूं, उन लोगों को तो फिर कॉल नहीं करना है। अब जिनका मैसेज का रिप्लाई नहीं आया है, अब आपको क्या करना है कि भैया आप उनको कॉल कर लो।
कॉल करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अभी वो एक्टिव नहीं है, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं है, अब आपको उनको कॉल करना है। हो सकता है वही लोग जो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करें ना, वो भूल चुके हों, और जिन्होंने रिप्लाई कर दिया कहीं ना कहीं वो एक्टिव है, वो अटेंड करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो आपको वैसे लोगों को जिनका मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा आपके रिमाइंडर मैसेज का, तो आपको उन लोगों को कॉल करना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, आपको सारे लोगों को ना कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ उन लोगों को कॉल करने का जरूरत पड़ेगा जो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करे, जो आपके रिमाइंडर मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, सो आई होप मेरा ये बताने का जो मकसद था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फाइनली मैंने आपको लगभग इनविटेशन स्किल्स की सारी चीजें मैंने बता दिया है, चाहे वो स्क्रिप्ट हो चाहे वो डूज और डोंट्स हो, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, सो अब टाइम है कॉल रिकॉर्डिंग सुनने का। तो अभी जो मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं ना, सबसे पहले आपको कुछ हॉट मार्केट के लोगों को किस तरीके से इनवाइट करना है, पहले आपको उन लोगों का कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगा। उसके बाद हम अननोन लोगों को, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो हमारे कोल्ड मार्केट के लोग होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, उन लोगों को कैसे इन्वाइट करते हैं, उसकी भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुनना और नोट्स भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग्स। हेलो, हाँ हेलो, हेलो आर्यन भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? सब बढ़िया गौरव भाई, आप बताओ कैसे हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया आर्यन भाई, सब बढ़िया। और बताओ घर में मम्मी पापा कैसे हैं? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आपके घर में मम्मी पापा कैसे हैं? सब बढ़िया यार, सब तो अच्छे हैं। और बताओ अभी स्टडी वगैरह कैसा चल रहा है तुम्हारा? अभी अभी तो एग्जाम मेरा खत्म हुआ है, दो एग्जाम और बचा हुआ है, बाकी सब चीज चल रहा है बढ़िया से। अच्छा, एग्जाम बढ़िया चल रहा है ना? हाँ। चल यार, तू तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, चल बहुत अच्छी बात है। और बता अभी रेस्ट टाइम में क्या कर रहा है, मतलब फ्री टाइम में तू क्या कर रहा है अभी आजकल? अभी नहीं, बस बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, एक आध दो बच्चे हैं, होम ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो वही जनरल कंपटीशन की तैयारी चल रही है बस। हाँ तैयारी तो यार देख मैं भी कर रहा था, एक्चुअली क्या ना यार, देख मैंने ना, मैं थोड़ा बिजी भी था आर्यन भाई, बट एक चीज तेरे को डिस्कस करना था, एक बात तेरे को बताना था। अच्छा बता बता। देख आर्यन, क्या है तेरे को पता है यार कि आज के टाइम पे हम स्टडी तो कर रहे हैं, कॉलेज भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, बट तेरे को एक चीज पता है यार, आज के टाइम पे ना जॉब वगैरह मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया यार। ये तो बात सही है, चाहे हम बात करें गवर्नमेंट की चाहे हम प्राइवेट की बात करें, है ना, बात बिल्कुल सही है। ये 2020 में जो कोरोना आया ना, बहुत दिक्कत कर गया ये। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। यही सब चीज को देख कर ना आर्यन भाई, मैंने अभी रिसेंटली में ना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया यार। ठीक है, ऑनलाइन जहाँ पे ना, हाँ ऑनलाइन जहाँ पे ना सोशल मीडिया के थ्रू ना यार हम पैसा कमा सकते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल, आप देख तेरे को पता है हम बहुत कहीं ना एक बहुत साले से हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं यार, है ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब, बट क्या सोच आज तक हमने एक रुपया भी कमाया क्या? तू सोच? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो एकदम नहीं कहा, मैं तो बहुत कम ही यूज करता हूँ। मैंने भी नहीं किया था भाई, कोई पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। बट पता है जहाँ पे अभी मैंने काम शुरू किया ना ऑनलाइन, भाई यहाँ पे हमारे एज के जो स्टूडेंट है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ यार, अपनी स्टडी के साथ ना पैसा भी कमा रहे, हजारों लाखों रुपए एंजॉय भी कर रहे, और अपने मम्मी पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। अच्छा, जब मैंने देखा था ना, मेरे को बिलीव नहीं हुआ ये क्या चल रहा है, हम कहाँ पे अभी जी रहे हैं, कितना पीछे हैं हम। अच्छा, तो यार उसी टाइम पे ना मेरे को अचानक से तेरा याद आया कि तू यार बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, तो मैंने सोचा क्यों ना तेरे से शेयर किया जाए इस चीज के बारे में। ठीक है, तो देख मैंने तो स्टार्ट कर दिया है आर्यन भाई। ठीक है, तो अगर तू भी स्टार्ट करना चाहता है, तू भी समझना चाहता है, तो एक बार बता। तो इसमें मतलब करना क्या होता है इसे? देख इतना तो अभी मेरे को पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इतना पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू मतलब कुछ अर्निंग वगैरह करना होता है, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है ऐसे तो। ठीक है, अच्छा तो एक बार तू भी समझ के देख ले, अगर तेरे को लगता है कि हाँ अच्छा है तो अपन दोनों भाई मिलके काम करेंगे यार, बढ़िया तरीके से पैसे कमाएंगे, हो सकता है हमारा भी कुछ हो जाए यहाँ से। अच्छा हाँ, तो ये सोशल मीडिया पर क्या काम करना पड़ता है? मतलब कि बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग वीडियो डांस वांस डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल बोलते हैं, उसी से पैसे आते हैं क्या? वही सब करना होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं आ रहे भाई, देख मेरे को भी उसका पता नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया ना, तो मेरा भी ट्रेनिंग चल रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो उतना मेरे को अभी है पता नहीं। देख यार सिंपल सी बात है, तू भी पता है, तू समझदार है, तू तो कॉलेज टाइम से बहुत समझदार है यार, है ना। तेरे को पता है कोई भी मतलब कोई भी अभी से समझदार, तो एक्सपर्ट से सीखना ज्यादा अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। हाँ, ये तो बात सही है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं मेरे भाई, ठीक है, अब मैं स्टूडेंट हूँ, और कहीं ना कहीं कोई भी इंसान टीचर से सीखना पसंद करता है ना। तो कल हमारा 6 बजे यार देख एक वेबिनार है जूम ऐप पे, ठीक है, तेरे को पता है जूम ऐप के बारे में, उस पे सेशन होगा लगभग 2000 से ज्यादा लोगों का। ओके, तो कल तू एक बार अटेंड कर, समझ, अगर तेरे को अच्छा लगता है ना भाई, मिलकर हम इस बिजनेस में ग्रो करेंगे यार, बहुत अच्छा पैसा भी कमाएंगे। ठीक है, देखो 6 बजे है, कल 6 बजे अगर तू अटेंड करना चाहता है तो बता, तो हम तेरे को लिंक प्रोवाइड करवाते हैं किसी तरह से। 6 बजे रहेगा ना? हाँ शाम को 6 बजे भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ठीक है। कन्फर्म ना? ऐसा तो नहीं है। हाँ, नहीं, तो बिजी हो जाएगा तू, बहुत बिजी। नहीं नहीं, कन्फर्म देख लूंगा। चल ठीक है, तो कल तेरे को मैं भेजता हूँ, तू कल अटेंड कर एक बार, और फिर जैसा होता तू मेरे को बता। ओके। चल ठीक है, तो कल तेरे को मैं लिंक शेयर करता हूँ फिर। ठीक है, ओके ठीक है ओके ठीक है आर्यन भाई, ओके ओके थैंक यू। हेलो 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 खुशबू, क्या हाल है? सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया गौरव, तुम बताओ?
सब सब बढ़िया खुशबू, सब बढ़िया। और बताओ घर में मम्मी पापा कैसे हैं? सभी ठीक है? तुम्हारे यहाँ? सब सब ठीक है, सब ठीक है। बस थोड़ा मम्मी पापा की थोड़ा सा तबीयत खराब रहती है, और कुछ ओ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और बताओ खुशबू, और तुम्हारा स्टडी वगैरह कैसा चल रहा है यार? ऐसा ठीक ही चल रहा है, तुमको तो पता ही है कैसा लग रहा है चल कि मजबूरी हो, तुम पढ़ाई कर रही है यार एकदम से। रहा है। देखो झूठ क्या बोलूं, पढ़ाई वगैरह मैं कैसी हूँ ये तो तुमको पता ही है, इसमें झूठ में कुछ नहीं छुपा ऐसा तो है नहीं नहीं। है, ऐसे तुम पढ़ाई करने में तो काफी अच्छी हो, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसा वो तो टिप टाप के लिख लेते हैं। कुछ पता चला एग्जाम वगैरह का डेट कब से निकलने वाला है, कुछ नहीं अभी तो इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं, और वैसा भी हमको तो लगता है कुछ इस सारे चीजों से पता ही नहीं है, तुमको अगर पता चलेगा तो बता देना हमको। है? हाँ मैं बता दूंगा अगर पता लगता है तो। ठीक है, ऐसे यार खुशबू स्टडी के बाद ऐसे फ्री टाइम में तुम क्या करती है ऐसे? फ्री टाइम में? फ्री टाइम नॉर्मली कहाँ है, स्टडी के बाद स्टडी होता ही कहाँ है कितना, मेरा वही घर का काम वाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर दिन भर वही सोते रहना और क्या। अच्छा, तुमको तो और कोई काम धंधा है नहीं, दिन भर तो सोना है बस, और कुछ क्या तो करे, करना कुछ रहेगा तब तो। है। हाँ बात तो सही है यार। खुशबू यार देख, मैंने ना एक कॉल किया था, एक इम्पोर्टेंट बात बताना था तेरे को। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत बिजी था अपने काम में, बट एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात ना तेरे को बताना था। सोचा यार तू मेरी अच्छी दोस्त है, तो मैंने सोचा तेरे साथ भी शेयर करना चाहिए, तो हाँ मैं बोलो, बताऊँ हाँ तेरे को। बिल्कुल बोलो ना। खुशबू देखो, जैसा तेरे को पता है कि आज हम स्टडी तो कर रहे हैं यार, बट कहीं ना कहीं ये गारंटी नहीं है कि हमें ना कोई जॉब वगैरह मिलेगा यार, है ना? हाँ वो तो है। है ना? तो यार अभी ना मैंने रिसेंटली में यार मैंने ना अभी एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, जहां पे ना हम यार इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू ना हम पैसा कमा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो यार मेरे को ना तीन ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ ना मिलकर इंस्टाग्राम के थ्रू 15 से 20 हजार रुपए कमाना चाहते हैं। ठीक है, अगर अच्छा तू इंटरेस्टेड है खुशबू तो तू बता, मैं भी तेरे को शेयर करता हूँ इसके बारे में। क्योंकि ऑलरेडी यार मैंने तो स्टार्ट कर दिया, और मैंने देखा है खुशबू यहाँ पे ना यार तुम्हारे एज की जो लड़कियां हैं ना यार, कसम से यार बहुत अच्छा पैसा कमा रही है यार स्टडी के साथ साथ में, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यार खुशबू एक बार तू भी एक बार इसको समझ के देख, क्योंकि कहीं ना कहीं तेरे को भी पैसे की नीड तो हो गई अपने फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, है ना? हाँ वो तो है, लेकिन क्या करना होगा मुझे? देख खुशबू करना क्या होगा यार, मैं तो ये कॉल पे नहीं बता सकता, जैसा कि तेरे को बताया कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ यार, है ना? बट कल ना हमारा एक ऑनलाइन वेबिनार है। ठीक है, जहाँ पे मैंने काम समझाना, वहाँ पे डेली बेसिस पर ना एक ऑनलाइन वेबिनार होता है नए लोगों के लिए। ठीक है, तो अच्छा मैं चाहता हूँ एक बार तू उस वेबिनार को अटेंड कर, उसमें ना तेरे को बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे एक्सपर्ट है ना वो तेरे को समझाएंगे अच्छे तरीके से काम में। क्योंकि यार मैं तो अभी नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को तो अभी उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, बट तू यार बहुत इंटेलिजेंट है, तू अच्छे से काम को भी समझ लेगी। ठीक है, तू अगर कंफर्म करती है तो बता, मैं तेरे लिए ना एक सीट होल्ड करवाता हूँ। ठीक है सब, मैं एक बार तो समझ ही लूंगी, समझ आया तो करूंगी। हाँ एक बार तू समझ के देख ले, अगर तेरे को समझ आता है ना तो मिलकर अपन बिजनेस करेंगे। ठीक है, और घर बैठ के तो सब कुछ करना है यार, कहीं जाना तो है नहीं, है ना? ठीक है तो 100% श्योर ना खुशबू, मैं तेरे को लिंक भेजूंगा, आप तुम अटेंड करेगी ना? हाँ हाँ ठीक पक्का। पक्का? ठीक है खुशबू, तो कल मैं तेरे को लिंक भेजूंगा, और एक बार तेरे को मैं रिमाइंडर कॉल भी कर दूंगा, तो कल तू रेडी रहना यार। ठीक ठीक है है, ठीक ऐसा है है ना हो कि मैंने तेरे को लिंक भेज दिया तूने अटेंड ही नहीं किया, तो मेरा भी ना मेरे भी मतलब रेपुटेशन खराब हो जाएगी सर के सामने। ठीक है अच्छा ठीक है ठीक चल, तो मैं कल तेरे को लिंक शेयर करता हूँ, कल तू फिर अटेंड करना। ठीक है है चल खुशबू, फिर तेरे को बताता हूँ अगर ऐसा पता लगता है एग्जाम वगैरह कब होती है, तो फिर तेरे को बताता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है खुशबू, ओके। हेलो हेलो हेलो, हेलो राजू ब्रो, हाउ यू, क्या हाल है? बढ़िया भाई, अपना बताओ। सब सब बढ़िया राजू भाई, सब बढ़िया। और बताओ घर में मम्मी पापा कैसे हैं तेरे? बढ़िया सब बढ़िया। और बढ़िया पापा लोग ना? कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया राजू भाई, सब बढ़िया। और बताओ स्टडी वगैरह कैसा चल रहा है राजू चल रहा तुम्हारा? है, सब बढ़िया चल रहा है। स्टडी ऐसा तो टाइम पास वगैरह नहीं चल रहा, पबजी वगैरह? नहीं, पढ़ाई चल रहा अच्छा से। चल बहुत अच्छी बात है। राजू ये बता कि अभी तू अभी फ्री टाइम में क्या करता है आजकल स्टडी के बाद? फ्री टाइम में तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा तो ऐसा कोई जरूरी काम वगैरह तो नहीं रहता ना कुछ? नहीं वैसा तो कुछ काम रहता नहीं, बस घर का काम रहता है जो भी। चल कोई बात नहीं। एक्चुअली राजू भाई क्या है ना कि तेरे से एक जरूरी बात करना था यार। बोलो। एक राजू भाई तेरे को पता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों अभी कॉलेज कर रहे हैं ना, पढ़ाई चल रहा है। तेरे को पता है अभी आफ्टर कॉलेज के बाद में जॉब वॉब लगना थोड़ा बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, तेरे को तो पता है ना? अभी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब का भी तू हाल देख रहा है क्या, है ना? कहीं ना कहीं अगर हम कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो जॉब लगने में काफी टाइम लग जाएगा, है ना? यार यही सब सोच करना राजू भाई, अभी ना हमें रिसेंटली में ना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जहाँ पे ना यार हम पार्ट टाइम में काम करके ना सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, देख तेरे को पता है हम डेली बेसिस पे सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब, बट यार सोच हम दोनों को 10 रुपये भी कमाना आता है क्या बता? नहीं नहीं वो तो नहीं आता। नहीं आता ना, कहीं ना कहीं हम सिर्फ टाइम पास करते हैं, इंटरनेट वेस्ट होता है ना? ठीक है पता है, लेकिन जहाँ पे अभी हम काम शुरू किए ना राजू भाई, यहाँ पे हमारे एज के जो स्टूडेंट है ना भाई, हजारों लाखों रुपए कमा रहा है उसी सोशल मीडिया को यूज करके, सोच।
और यार मैं देख रहा हूँ ट्रैवलिंग भी कर रहा, फुल इंजॉय भी कर रहा है यार, बहुत अच्छा मतलब देख के लग रहा था हमको तो। ठीक है, तो भाई मैं सोच रहा था यार कि तू मेरा अच्छा भाई है, ठीक है, तो सबसे पहले यार मैंने तेरे को ही कॉल किया है, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं यार एक बार तू भी इसको देख, तू भी एक बार समझ, अगर तेरे को समझ आता है राजू भाई तो हम दोनों ना मिलकर काम करेंगे यार बहुत अच्छे तरीके से और ग्रो भी करेंगे, क्या पता हम भी अच्छा कुछ अर्निंग कर ले यहाँ से। ठीक है, तो तू बता, अगर समझना चाहता है तो तू बता सकता है, ठीक है, क्योंकि यार हम तो स्टार्ट कर दिए हैं यार, क्योंकि देख आने वाले टाइम में जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा कौन जानता है, क्यों ना हम साइड से कुछ पैसा कमाना शुरू करें। ठीक है, तो तू बता, तेरे को समझना है तो तू बता मेरे को जल्दी। समझना है ना, चल ठीक है, तो इसके लिए ना राजू भाई कल से हमारा एक सेशन है, वेबिनार है 6 बजे, ठीक है, जूम पे, जूम तो तेरे पता है डाउनलोड किया होगा तू, है ना, तो उसपे ही उसपे मीटिंग है एक, जहाँ पे ना जो हमारे सीनियर है जो एक्सपर्ट है ना वो पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑनलाइन काम के बारे में। ठीक है, तो कल हम तेरे को लिंक भेजेंगे राजू भाई, तू जरूर अटेंड करना यार, ठीक है, बहुत मजा आएगा, मैं तो स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छा आने वाले टाइम में अर्निंग भी करेंगे, ठीक है ना, तो कल पक्की बात है तू अटेंड करेगा ना तो ही भेजूंगा, ऐसा ना हो तू जला भेज दिया तू अटेंड ही नहीं किया, नहीं नहीं स्योर स्योर अटेंड करूंगा, है ना, चल ठीक है, तो कल तो हम तेरे को लिंक हम शेयर करेंगे तू अटेंड कर फिर, ठीक है, ओके ओके फाइन, चल ठीक है राजू भाई, ओके थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात आलोक से हो रही है जी, आप कौन? आलोक मैं गौरव सर बात कर रहा हूँ, कल आपने नंबर दिया था इंस्टाग्राम पे, रिमेम्बर? यस सर। हाँ जी हाँ जी, सो आलोक आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी क्या करते हो आप? सर मैं तो बोकारो से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टडी कर रहे हो आप, राइट? जी सर। ओके, सो मैं एग्जैक्टली रीजन जान सकता हूँ आलोक कि आपको अर्निंग क्यों करनी है, मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है या फिर घर में फाइनेंशियल इशू है? सर सेल्फ इंडिपेंडेंट ही सोच लीजिए ना। अच्छा, सेल्फ इंडिपेंडेंट मतलब घर वालों से आप पैसे नहीं लेने हैं ना? चलो यार बहुत अच्छी बात है आलोक, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं यार जो अपने ना घर वालों के लिए सोचते हैं, अपने फैमिली की हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, चलो आप ऐसा स्टेप ले रहे हो बहुत अच्छी बात है। सो आलोक आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपने आज से पहले कभी कोई ऑनलाइन काम के बारे में समझा हुआ है या ये आपका फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है सर। अच्छा, पहले कभी नहीं आपने समझा है ना? यस सर। चलो कोई बात नहीं। सो आलोक देखो क्या है, हमारी ना एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है, ठीक है, और हमारे सोसाइटी के अंदर में ना मोर देन 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट आज हमारे साथ काम कर रहे हैं पैन इंडिया से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, ठीक है। यहाँ पे ना हम स्टूडेंट एंड जो जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं ना, हम उन्हें ये सिखाते हैं कि हम सोशल मीडिया का यूज करके ना हम अपनी अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है लोग हम डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बहुत सारे सोशल मीडिया से यूज करते हैं, बट उससे ना हमें 10 रुपए भी कमाना नहीं आता, राइट? एग्जैक्टली, तो कैसा रहेगा लोग अगर उसी सोशल मीडिया को यूज करके आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाए, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर, ये तो अच्छा रहेगा, राइट? अब देखो आलोक आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैसा कैसे आएगा, है ना? एग्जैक्टली, सो देखो आलोक इसके लिए क्या है ना कि कल हमारा एक ऑनलाइन वेबिनार रखा है हमने, ठीक है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे काम को समझना चाहते हैं, तो सबको तो हम कॉल से प्रैक्टिकली समझा नहीं सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, राइट? यस सर। एग्जैक्टली, अब देखो क्या है कि कल के वेबिनार के लिए ना अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल थे आलोक, बट उसमें से ना 47 सीट अभी जस्ट फुल हो चुका है, सिर्फ मेरे पास अभी 3 सीट बचे, तो आप मेरे को 100% कन्फर्म बताओ कि कल का सेशन आप अटेंड करोगे तो ही हम आपको लिंक शेयर करेंगे। जी सर, मैं अटेंड कर लूंगा 100% श्योर, ऐसा ना हो कि मैंने आपको भेज दिया और आपने देखा ही नहीं तो हमारा सीट भी वेस्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हमारा सीट वेस्ट हो। नो सर, मैं देखूंगा। 100% श्योर? जी सर। चलो ठीक है आलोक, तो आप ही मेरा नंबर सेव कर लो गौरव सर के नेम से, और मेरे को ना व्हाट्सएप पे हाई कर दो विथ नेम, क्योंकि कल जो आपके पास लिंक आएगा ना वो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू आएगा, अगर आपने नंबर सेव नहीं किया ना तो आपके पास आया लिंक ना पहुंचे। ओके, मैं भी करता हूं आपको। हाँ, तो आप ही मेरा नंबर सेव कर लो मेरे को ना और हाई कर दो विथ नेम, ठीक है, मैं आपको कल एक बार कॉल करके आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है आलोक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। ओके सर। सो आई होप आपने सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स को बहुत ही ध्यान से सुना होगा आपने, और अभी आपको ना अंदर से एक बहुत अच्छी वाइब आ रही होगी, बहुत अच्छा एनर्जी आ रही होगी, और अभी आपको लग रहा होगा यार कि मैं तो अभी से इनविटेशन शुरू कर दूं क्योंकि मैंने सब कुछ सीख लिया, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है जो आपको किसी और के चैनल के वीडियोस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना यार, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो तो देख लेते हैं बट एक लाइक और एक कमेंट तक नहीं करते, और वो सब्सक्राइब भी नहीं करते, सिर्फ नॉलेज लेकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब तक नहीं करते, ठीक है? तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, आप लोगों के ग्रोथ के लिए, ठीक है? सो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, टिल द टाइम थैंक यू सो मच।